हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई फाई स्टडी में। नाउ वाई फाई स्टडी इज द पार्ट ऑफ अकेडमी ग्रुपमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक किर्तियानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार बेहतरीन सा एक मॉक टेस्ट के रूप में। अभी तक का जो भी पढ़ाया है उसको लेकर गाइस, तो आर या पार जान लगा दो या जाने दो, आज आप लोगों का लाइव टेस्ट होने वाला है। यानी कि मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि भैया अभी तक जो पढ़ा है आपने उसको आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या कितने नंबर आज आपके टेस्ट में आएंगे, क्योंकि आज हमारा सीजीएल का एग्जाम भी है। और सीजीएल का एग्जाम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं है, तो उसका एनालिसिस भी होगा। और एनालिसिस का टाइमिंग दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग का जो एनालिसिस होगा वो 2 बजे होगा, यानी 2 बजे हम लोग रीजनिंग का एनालिसिस कर रहे होंगे। और आपको 9835393042 इस नंबर पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो व्हाट्सअप कर लेने हैं, या आपको पता लगते हैं आपके दोस्तों में से कोई गया हुआ है तो उसको भी आप लोग बोल सकते हैं फोन करके कि भाई इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन, दीपक सर 2 बजे इसका एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तक का जो भी पढ़ा है उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन जिंदगी में कभी हार मत मानो, ये बात याद रख लेना, क्योंकि कोशिशें करते रहना, आगे बढ़ते रहना ही सफलता का मेन कारण है। यूं समझ लेना आप कि मुख्य कारण यही है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप थक गए हैं तो आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप आराम करेंगे तो पूरी एनर्जी आपके अंदर आएगी और आप दुगनी एनर्जी के साथ में फिर आप कार्य में लग जाइए, फिर देखो सफलता कितनी आसानी से आपको मिलती है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे चलते हैं। दोस्तों आज होने वाला है शानदार रात को 9 बजे धमाकेदार मॉक टेस्ट, जो कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर होगा। और आज ही होने वाला है, 13 अगस्त का दिन है और अपना इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि मेरे भाई 4 बजे आप लोग पढ़ने वाले हो कंप्लीट क्लॉक एक ही वीडियो में पूरा क्लॉक आप लोग खत्म करने वाले हो शाम को 4 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर, जो कि आज का दिन है, फ्राइडे का दिन है, शानदार। तो बिल्कुल तैयार रहना भाई एकदम। इसके अलावा अन अकेडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से, ताकि आप लोगों को शानदार दोस्तों एसएससी के एग्जाम कैटेगरी में जितने भी बैचेस चल रही हैं, जितनी भी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, वो सारी एक्सेस करने को मिल जाएगी। ठीक है, सी ऑल पर जाकर देख लोगे। कंप्लीट कोर्स अपना चालू हो गया है भाई 11 अगस्त से। एसएससी जीडी और एमटीएस वाले जो स्टूडेंट हैं वो अन अकेडमी पर मुझे फॉलो कर लें और यहां से डायरेक्टली बैचेस में जाकर देख सकते हैं। सफलता बैच के रूप में क्लासेस चल रही है, कंप्लीट वर्बल रीजनिंग की क्लासेस दोस्तों चल रही है, तो शानदार बैच अपने पास में अवेलेबल है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल के अंदर दोस्तों वो रेफरल कोड मांगेगा, तो वहां पर दीपू10 कोड लगाइए और पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, मस्त और बैच में एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब की बार रेलवे पार्क, पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, बताइएगा PRSON पर्सन का क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, यहां पर 4 दे रखा है, यहां पर 20 दे रखा है, यहां 18 है, यहां 14 है और यहां 16 है। ठीक है, कैसे बनेगा, किस तरीके की चीजें बनेगी, पहला प्रश्न। तो फोन के लिए क्या बनेगा, PHONE दोस्तों जल्दी से फटाफट से बताएंगे। +2 -1 +2 -1 देन यहां पर देखिए +2 -1 होता तो यहां पर तो अलग ही होना चाहिए था, फिर यहां भी लास्ट वाले में भी, अच्छा सॉरी -1 यहां पे हो गया, फिर यहां भी -1 कर दिया उसने। ठीक है, तो इतना अपन को समझ में आ गया कि सब में +2 -1 वाला सीक्वेंस नहीं है, जो वोवल्स है ना शायद। ठीक है, यहां भी देखो कि देखिए इसने -1 किया है और एन के बाद ओपी, यहां पे लास्ट वाले में +2 किया है, PERSO यहां पर इसने क्या किया है, -1 किया है।
ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं। हम लोग सेम टू सेम ऐसा ही इसी टाइप का लॉजिक हम लोग आगे लेकर चलते हैं और बनाते हैं भाई फोन के लिए क्या बनने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा, पी के बाद क्यू आर, पी के बाद क्यू आर, यहां पर बनेगा प्लस टू, सही है, सम संख्या पे जो आ रहे हैं ना, इवन नंबर्स पे जो आ रहा है, देखिए 18 भी इवन पे है, 16, ये पी जो है 16 भी इवन पर है, तो इवन वाले जो नंबर हैं, पी 16 पे आता है, आर 18 पे आता है, एन जो है वो भी अपना 14 पे आता है, तो इवन वाले सम वाले में किया हुआ है इसने शानदार प्लस टू, है ना, मस्त प्रश्न है। और ओड पे जो आ रहा है, ओड ओड मतलब विषम, विषम पर क्या कर रखा है, 5 हो 19 हो 15 हो, इनके अंदर क्या किया हुआ है, माइनस, तो इसमें प्लस टू, तो ये 8 पे आते हैं, 8 में भी प्लस टू, जे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 माइनस 1 तो 14 पे आ जाएगा, यानी देखिएगा इधर, तो ये तो हो गया अपना 18, ये 10, ये 14, फिर यहाँ पे प्लस टू, तो ये हो जाएगा अपना 16, और यहाँ पर -1 तो यहाँ पर हो जाएगा 4, सही है, क्लियर है, 18, 10, 14, 16, 4, क्या कहते हो दोस्तों, फटाफट से थम्स अप करके बता दोगे। चलिएगा नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मिसिंग नंबर से रिलेटेड शानदार प्रश्न आप लोगों को दे रखा है और आपको बताना है कि इसके अंदर क्या बनने वाला है। देखते ही समझ में आ गया, देखते ही, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, सही है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 48 × 2, 18 × 2 करोगे, 18 दूनी 36 आ जाएगा, 36 इज दी करेक्ट आंसर, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी वास्तव में, सही है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न करके बताइए। बहुत बढ़िया, डू फास्ट डू फास्ट डू फास्ट, जल्दी से फटाफट से एक बार बताएंगे। ट्रीना देव से पहले और लोकी के बाद कार्यालय पहुंचती है, वीर ट्रीना से पहले लेकिन किरण के बाद कार्यालय पहुंचता है, लोकी वीर के ठीक बाद कार्यालय पहुंचता है, तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, तो अंत में कार्यालय कौन पहुंचता है, देव, देव जो है वो अंत में कार्यालय पहुंचता है, सही है। चलिए, टेंपल को ऐसे लिखा हुआ है, TMPLE, ELPMET, तो देखिएगा ये टी, ये ई, ये एम, ये पी, ये एल और ये ई, सारे के सारे लेटर देखिए किस तरीके से लिखे हैं, CHURCH, तो चर्च का क्या बनेगा, उल्टा लिख देंगे भाई इसको, क्या बनेगा, HCRUHC, HCRUHC, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, रोजेज आर येलो उसका कोड ये दे रखा है, व्हाइट फ्लावर्स का कोड ये दे रखा है, फ्लावर्स आर फ्रूट्स उसका कोड आपको ये दे रखा है, तो आपसे व्हाइट का कोड पूछ रहा है, रोजेज आर येल्लो, रोजेज आर येल्लो, फ्लावर्स आर फ्रूट, तो खत्म हो गया, ये लीजिए फ्लावर्स का कोड निकाल लो यहां से, दोनों में से फ्लावर्स का कोड निकाल लीजिए आप, तो दोनों का कोड क्या बनेगा, DIC DIC आ रहा है दोनों में, तो फ्लावर्स का कोड तो DIC आ गया, यहाँ पे व्हाइट बच गया, खत्म, व्हाइट का कोड आ जाएगा NIL, व्हाइट का कोड क्या आ गया, NIL आ गया। नेक्स्ट, एटी नाइन लोग हैं दोस्तों, है ना, 89 लोग, आर के लिए बोला है कि वो प्रारंभ से 8वें नंबर पर खड़ा है, आर और एस के बीच में 9 व्यक्ति खड़े हैं, जो पी के निकटतम पीछे खड़ा,
आर और एस के बीच में नौ व्यक्ति खड़े, ठीक है, तो नौ लोग इधर तो आएंगे नहीं, इधर ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। आर और एस के बीच में नौ लोग हैं, इस जगह इनके बीच में है नौ लोग, ये खुद एट्थ पे है, इनके बीच में नौ लोग हैं, जो पी के निकटतम पीछे खड़ा है, जो कि निकटतम पी के पीछे खड़ा है, आगे होता तो यहां लेते हैं, क्या है पीछे, पीछे मतलब दाई तरफ, जो कि पी के निकटतम पीछे खड़ा है, ठीक है, जो पंक्ति के अंत में कौन से नंबर पर है, जो पंक्ति के अंत में कौन से नंबर पर, यानी कि पी जो है पी अंत में कौन से नंबर पर खड़ा है, पी अंत से कौन से नंबर पर खड़ा है, तो पी पहले ये निकाल लो ना, आगे से कौन से नंबर पर है, आठ, तो ये आठ तो ये हो गए, बीच में नौ लोग थे तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और ये नौवा हो गया पी, तो आठ तो ये और नौ सीधा नौवे नंबर पर वो, तो आठ और नौ कितना हो जाएगा सत्रह, यानी कि पी लेफ्ट से सत्रह नंबर पर, सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो पी निकालना पड़ेगा कि पी लेफ्ट से सत्रह नंबर पर है, सपोज करो टोटल 89 लोग हैं, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, सही है, टोटल की वैल्यू कितनी है दोस्तों 89, लेफ्ट से है 17 नंबर पे प्लस राइट माइनस वन, 17 माइनस वन कितना हो गया 16, ठीक है, तो 89 माइनस 16 इक्वल टू राइट, तो राइट से आ जाएगा आपके पास में 73, राइट से कौन सा नंबर आ गया, राइट से आ गया 73 73rd पोजिशन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दे रखा है, एस टी एस टी आर ए डब्ल्यू एच ए टी, और इसके लिए दे रखा है वी जे सी वी क्यू आर पी वाई, चलिए बनाइएगा इसको दोस्तों, फटाफट से बनाएंगे, क्या आंसर आएगा, डू फास्ट, सभी के अंदर देखिए डायरेक्टली, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको, अगर आप देखो तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है वास्तव में प्रश्न में, बनाओ फटाफट से, चलिए लॉजिक बताइए, सर पूरी रात नहीं सोई अब नींद आ रही, तो भैया रात सोने के लिए होती है, एनर्जी तो चाहिए ना बेटा, बिना एनर्जी के कैसे काम चलेगा बताओ आप, नीनू कुमार, क्या लॉजिक लगाएंगे, देखो दिख रहा है आपको, ये देखो लास्ट के चार जो हैं, चार लेटर का कोड ये है, सभी के अंदर प्लस टू है, आगे वाले भी देख लो, देखो यहां वालों में है माइनस टू, आगे वाले चार, ठीक है, ऐसा लॉजिक है, क्रॉस में ले जाता हूं, बहुत कम लोगों को आया होगा लेकिन जिनको भी आया होगा मजा आ गया होगा, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई एफ, एफ से आंसर स्टार्ट होगा हमारा, है ना, जब एफ से आंसर स्टार्ट होगा तो एक ही ऑप्शन है एफ से स्टार्ट होगा, खत्म, चलिएगा नेक्स्ट, डेस्क को देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, डेस्क को 39 लिखा हुआ है,
सी आर ए बी को 24 लिखा हुआ है। फॉर्म को देखिएगा क्या लिखा जाएगा, बनाइए 4 + 5 + 19 + 11 30 और 9 39, 3 और 18 21, 22 और 2 24, 6 + 1 + 18 + 13 ठीक है, 24 और 14 कितना हो जाएगा 38 38। ठीक है, तो पाम का कितना बन जाएगा, सभी का एडिशन किया होगा 38 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए फिश को दोस्तों लिखा हुआ है 24, बनाइए फिश को लिखा, सॉरी फिश को लिखा हुआ है 24, फिश को क्या लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है, बनाइए दोस्तों इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, हो सकता है कि आज आप पेपर देने जाओ और उसके अंदर आपको इस टाइप का लॉजिक देखने को मिल जाए। देखिए 6 + 9 + 19 + 8, इसको जब आप ऐड करोगे ठीक है तो ये बनेगा आपका 42, लेकिन 42 को लिखा हुआ है 24। बहुत से लोग जोड़ते समय ये सोचेंगे कि यार इतनी बड़ी वैल्यू तो बना ही नहीं रहा है, क्या करें इसको। तो भैया ज्यादा सोचना नहीं है, पहले जो करते आए हो वही करना है आपको। देखिए यहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं है, सिर्फ क्रॉस में लिखा हुआ ठीक है। ऐसे ही वो पूछ रहा है कि मिंट का क्या बनेगा, MINT सही है, 13 + 9 + 14 + 20 13 9 14 20 27 और 9 36, ये हो रहा है 56, ये 6 और ये 5 कितना हो रहा है 65, 6 और 5 कितना हो रहा है भाई 65। ए जो है वो क्योंकि बहन है, सी जो है वो क्योंकि माता है, पी सी का पिता है, पी सी का पिता है, ई पी की भी माता है, ई और ऊपर आ जाए, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, तो ये सी ये पी ये ई ठीक है, पी सी का पिता है, सी क्यू की माता है। क्यू पी से किस प्रकार से संबंधित है बताइए, क्यू का जेंडर कहाँ क्लियर है, क्यू का जेंडर कहाँ क्लियर है कि क्यू पी की कौन है, अब पोती है या फिर नाती है, ये तो हम कह नहीं सकते, ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर, इसलिए एक ऑप्शन दे रखा है सी एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों रामायण, रामायण का कोड क्या दे रखा है, ANAYMAR सही है, तो महाभारत का क्या बनेगा, बनाओ ये आर ये ए ये एम ये ए ये वाई ये ए एन और ये ए, तो महाभारत का क्या बनेगा भाई, एम ए एच ए उल्टा लिख देंगे, MHABHARAT महाभारत। चलो नेक्स्ट अगला देखो, छ इंटू 7 + 8 = 42 और 16, 7 × 42 8 × 16, अगर इसको कर भी दें एक बार, 58 + 1 कर देंगे, ये क्या बनेगा 59, तो ये बनेगा 6 × 18 + 5 × 8 8 × 5 = 40, 40 और 18 = 58,
प्लस एक फिर से बन रहा है 59, इसका भी लास्ट वाले का भी 59 ही बन रहा है, क्या बनेगा लास्ट वाले का भी 59। ठीक है गाइस, चलिए फटाफट से दोस्तों जल्दी से करते जाएंगे ड्रॉ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एसएससी के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग करके बताइए। सपोज करिए कि आज आप एग्जाम देने जाने वाले हो और वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल गया और यहाँ पे 10 दिल गया। ठीक है, तो चलिए रिंग का क्या बनेगा, तो रिंग का 12 दे रखा है, तो रेस्ट का क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए करो भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बात है, 6 आंसर आ रहा है, 7 आंसर आ रहा है, 8 भी आंसर आ रहा है। ड्रो को 10 लिखा हुआ है, रिंग को 12 लिखा हुआ है, रेस्ट को क्या लिखा जाएगा, बनाइए। ड्रॉ कितने पे आता है, ये 4 पे, ये 18 पे, ये 1 पे आता है, ये 23 पे आता है, सही है ना। अगर आप इन सबको जोड़ें एक बार, 4 18 1 और 23, ये हो रहा है 46, और 46 में देखो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, अठारह प्लस 5 प्लस 19 प्लस 20, 18 और 5 23, 33 43, 43 के बाद 53 63 माइनस 1, कितना हो रहा है 62, 62 की डिजिट को ऐड कर लो, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, 8 आ रहा है गाइस, 7 क्यों आ रहा है बेटा आपका, अब 6 और 2 भी जोड़ना नहीं आ रहा क्या यार, 7 क्यों आ रहा है, देखो 1 या 2 का नहीं, बहुत सारे लोगों का आ रहा है। कनिष्का परिहार का आंसर जो है 7 आ रहा है, कनिष्का तंबोली सॉरी उनका आंसर जो है 7 आ रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों का 12 भी आ रहा है, किसी का 8 भी आ रहा है, तो बेटा रॉन्ग है आपका। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रख लो, आगे के फ्यूचर के लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। इस तरीके के क्वेश्चन तो हमेशा से ही देखने को मिलेंगे आपको, आएंगे ही आएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे लो, नेशनल लेवल का, सेंट्रल लेवल के आप एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप जो है रेलवे की किसी भी कैटेगरी का एग्जाम दे लीजिए, आएंगे ही आएंगे। पर मैं बोल रहा हूं ना, आप सबका सिलेक्शन होगा भाई, सबका सिलेक्शन होगा, बस इतनी सी बात है आप एक दिमाग में याद रख लीजिए कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करते रहिए, बार 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 रिवाइज करते रहिए। ठीक है, 100% आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, ये मेरा विश्वास नहीं दोस्तों, ये मतलब मैं बता रहा हूँ पीछे के इतने सालों से आए हुए जो रिजल्ट है ना, उस बिहाफ पर मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना। आज आप एग्जाम देके आएंगे ना सीजीएल का, आप में से किसी का एग्जाम है तो आप खुद आकर कहेंगे कि सर 25 में से 25 नंबर हैं, 23 24 भी नहीं, 25 ही बोलेंगे आकर कि सर पूरे में से पूरे नंबर। ठीक है, चलिए बनाइए। शीला और सरिता बहने हैं दोस्तों, देखना शीला और सरिता के लिए बोला है, ये दोनों बहने हैं, ये दोनों सिस्टर्स हैं, सुमन सरिता की माँ है तो वो शीला की भी माँ हुई, सुमन सरिता की माँ है तो वो शीला की भी माँ हुई, रोहन शीला का बेटा है, ये लीजिए रोहन जो है वो शीला का बेटा है, रोहन सुमन से किस प्रकार संबंध, रोहन रोहन सुमन का कौन हो जाएगा, रोहन सुमन का ग्रैंडसन हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए रैन को लिखा हुआ है 22, रैन को लिखा हुआ है 22, कैसे बना होगा रैन को 22 कैसे लिखा होगा, बनाइए बनाओ भाई, रैन को लिखा हुआ है दोस्तों 22, तो लायर को क्या लिखा जाएगा,
बीच में हर को भी दे रखा है, हर को लिखा हुआ है 11। सर हम जनरल में आते हैं, आकाश राजपूत बोल रहा है। जनरल में आते हैं तो क्या जनरल वालों की जॉब नहीं लगती है क्या भाई? हाँ, ये मानसिकता ही कभी सिलेक्शन नहीं होने देगी। अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि मैं ST SC में नहीं हूँ यार, मेरा सिलेक्शन, मैं OBC में नहीं हूँ यार, मैं जनरल हूँ, ये मानसिकता बहुत गलत मानसिकता है दोस्तों। जितना जल्दी आप इस चीज को क्विट कर दें ज्यादा बेटर है। इस मानसिकता के साथ आप आगे ना बढ़े, मैं तो सभी से रिक्वेस्ट ही करूंगा ये मानसिकता रखें ही ना, ठीक है? ये बात याद रखें। बनाइए, देखिए इधर ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके दिमाग में दोस्तों एक चीज आएगी कि यार मैं सबसे पहले इसके नंबर दे लूँ, इसको 18, 1, 9 और 14, ठीक है? अगर आप इन नंबर्स को आप ऐड करते हो तो काफी बड़ी वैल्यू बन रही होगी आपके सामने। 27 और 1 28, 28 और 14 ये हो गया आपके पास में 42, ठीक है? 42 से 22 बनाया हुआ है, कोई चारा नहीं है। या तो आप आधा करके एक जोड़ दो या फिर आप सीधा 20 माइनस कर दो, तो ये बन गया 22। ऐसे ही हर के लिए भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये 8 पे आता है, ये 5 पे आता है और ये 18 पे आता है, ठीक है? 8 और 5 13 हो गया, 13 और 18 21 और 10, ठीक है? 21 और 10 31, 31 हो रहा। 31 में से 20 बिल्कुल ये लीजिए, 31 में से 20 अगर गया तो बिल्कुल ये 11 बन रहा, सही है कि नहीं? क्लियर है? तो ऐसे ही देखिएगा इसको, इसको देखिएगा, 12 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 18, ये हो गया आपके पास में 30, 39 और 5, कितना हो गया दोस्तों? 44, ठीक है? 44 में से आप 20 को माइनस कर दीजिए, ये आपके पास 24 आ जाए। एक अच्छा प्रश्न था, ठीक है? समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों, आप इस तरीके के क्वेश्चंस को फटाफट से एक बार सोल्व करते हैं। ये इक्वेशन आपको दे रखी है और इसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सब में आप लोग देख सकते हैं, आगे सब में क्या आ रहा है? P आ रहा है। पीछे सब में क्या आ रहा है? Q आ रहा है, ठीक है? तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि रिलेशन आगे वाले से पीछे वाले में चल रहा है। चलिए चालू हो जाइए बस। अब परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है? मदर, यानी कि Q जो है वो मदर है M की, सही है? M एट दी रेड, M का उसका मतलब है सन, एट दी रेड का मतलब है सन, M सन है किसका? D का। तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए भाई। फिर आगे डी एट दी रेट, ये लीजिए डी जो है, डी सन है किसका? वाई का। फिर आगे दे रखा है वाई सन है एक्स का, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। तो एक्स डी से किस प्रकार से संबंधित है? एक्स डी से किस प्रकार से संबंधित है? डी के पापा, अब पापा के मम्मी भी हो सकती है, पापा के पापा भी हो सकते हैं, क्लियर नहीं है? ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है हमें क्लियर नहीं है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर पा रहे कि क्या आंसर है इसका। चलिए बनाइए। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये कितने बड़े नंबर्स हैं। 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो 68 ही हुआ फिर भी। अच्छा ठीक है, हो गया, ये लीजिए खत्म हो गया। 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2, ये 68 प्लस 10, ये हो गया 78। 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 7 प्लस 1 50 प्लस 8
58 u इक्वल टू 21 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 ए डब्ल्यू 11 प्लस 1 प्लस 23 12 और 23 कितना हो गया 25 7 होना चाहिए था ये तो लॉजिक नहीं बनेगा इस तरीके से बनाइए u वैसे ही 21 पे ही आता है ना तो देखिए u वैसे कितने पे आता है 21 पे आता है तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि 21 डिवाइड बाय 7 2 प्लस 1 को ना जोड़कर 21 में 7 का भाग दोगे तो 3 बनेगा ये हो सकता है क्योंकि आगे भी फिर k a और w आ रहा है ठीक है 35 हो जाएगा ठीक है ये देखिए 11 प्लस 1 प्लस 23 ये हो जाएगा 35 35 में अगर भाग दे दोगे 7 का तो ये आ गया 5 चलिए आ गया मजा आ गया नेक्स्ट अगला बताइए बराबर से क्या बनेगा 13 प्लस 1 प्लस 14 27 और देखिए 28 हो रहा है 28 में 7 का भाग दोगे 7 चौक 28 4 आंसर आना चाहिए और इस देखकर एकदम से लीजिए आठ छिंग 48 आठ गया 40 नौ चौक 36 में से 9 गया चलो हो गया पीछे वाली संख्या को ही माइनस किया हुआ देखना इधर आठ छिंग 48 माइनस 8 40 नौ चौक 36 माइनस 9 27 नौ सात 63 माइनस 7 56 इतना हो गया 56 हो गया लीजिए नेक्स्ट जे के एल एक्स वाई और जेड के परिवार में जहां सभी विवाहित जोड़े हैं जेड के की सास है जेड की जेड जो है के की सास है जेड का जो भी बेटा या बेटी होगा उसकी शादी जिससे हुई होगी वो के है और जेड के की सास है जेड कौन है जेड जो है के की सास है जे वाई का भाई है और वाई एक्स की देवरानी है एल के से किस प्रकार संबंधित है सारे विवाहित जोड़े हैं भाई जहां सभी विवाहित जोड़े हैं जे वाई का भाई है ठीक है जे वाई का भाई है और y y भाभी है y किसकी x की अच्छा ये y देवरानी भाभी नन्ना जैसे देव यानी x से शादी हुई है इसकी y x की ननद भी हो सकती यानी जो भी है इस तरीके से ठीक है यहां ले लो स्ट्रक्चर इसको अब देखिए इसको कैसे बना सकते हैं दोस्तों आप अब आप एक काम करो एक्स जे तो ले लिया तुमने अब एक काम करो इसकी शादी करवा दो आप के से हुई है ना तो के यहां ले सकते हैं अपन मान लीजिए के यहां है तो z ऊपर ले लेते हैं ठीक है z जो है k की सास है ये बन गया स्ट्रक्चर और बस कौन बच गया यहां पर और तो कोई बना ही नहीं सकते अब l बच गया l की शादी इससे करा दो सही है तो l k से किस प्रकार संबंधित है l k का ससुर हो जाएगा भाई l k का कौन हो जाएगा ससुर एल के से किस प्रकार संबंधित है एल के से तो के का ससुर हो गया ना एल ए ऑप्शन आया स्किप यार ये क्वेश्चन को स्किप करने वाले हैं क्या यार हाँ ये क्वेश्चन को स्किप करने वाले हैं क्या जेड के की साथ ये वाला स्ट्रक्चर तो तुम्हें समझ में आ ही गया था जे और वाई भाई हैं
जे वाई का भाई है, सॉरी जे वाई का भाई है और वाई एक्स की भाभी है, वाई जो है एक्स की ननद मान लो, भाभी मान लो, जो भी है सिस्टर इन लॉ, यानी ये एक फीमेल है, एक्स यहां लेंगे इसकी शादी कराएंगे तभी तो बनेगी ये। और ये जो के था ये भी सारे विवाहित जोड़े हैं तो इसको भी यहाँ पे ले लिया हमने, इसको विवाहित करवा दिया, जेड ऊपर चला गया ऑटोमेटिकली, जेड के साथ फिर कौन आ गया, एल आ गया, खत्म हो गया। सही है, नहीं ए आंसर आ गया ऑटोमेटिकली। चलिएगा नेक्स्ट, साइंस, एस ई एन सी ई, सॉरी एस ई एन एस ई, एस ई एन एफ ई, एस टी एफ ओ टी एफ, सी आई टी वाई सी टी, सी डी जे यू जेड, और अर्थ का पूछ रहा है टी एच। ठीक है, आप एक चीज नोट कर पा रहे हो, पहला वाला लेटर तो सेम ही है, फर्स्ट लेटर तो सेम ही है, एस का टी ई का है, एन का ओ, एस का टी ई का है, बाकी सब में प्लस टू है, तो पहला लेटर इसका तो सेम ही कर दो, इसको तो अलग कर दो, ई का एफ, ए का बी, आर का एस, टी का यू, एच का आई, तो बनेगा ई एफ बी एस, ई एफ बी एस यू आई, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहला लेटर सेम था, बहुत सारे लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार पांच की जगह छह लेटर कैसे दे दिए। ठीक है, बनाइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताएंगे दोस्तों, क्या बनने वाला है। एबीसीडी, एक कक्षा में ए को सी और डी से अधिक अंक मिले, ए को किससे, सी और डी से ज्यादा अंक मिले हैं, ई को केवल एक छात्र से कम अंक मिला है, ई को केवल एक छात्र से कम अंक मिला है, बाकी सबसे ज्यादा अंक मिला है उसको, ये स्ट्रक्चर बनेगा। सी को सबसे कम अंक नहीं मिले, ये भी बोल दिया उसने, उसने बोल दिया कि सी को सबसे कम अंक नहीं मिले हैं, डी को केवल एक छात्र से अधिक अंक मिले, डी को केवल एक छात्र से अधिक अंक मिले, बाकी सबसे कम अंक मिले, और उसने बोल दिया कि सी को कम अंक नहीं मिले, तो सी यहां पर आ जाएगा, लास्ट में कौन आ गया, बी आ जाएगा। इसे तीसरे सर्वोच्च अंक किसे मिले, पहले दूसरा तीसरा, तीसरा सर्वोच्च अंक किसको मिला है, सी को, सी को तीसरा सर्वोच्च अंक मिला। विक्ट्री का कोड ये है, एब्रोस का कोड ये है, तो वर्सियस का तो ये आप कर लोगे, सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया हुआ है, इसको तो आप कर लेते हो, तो इसको करके बताओ प्रश्न, इसको आप करके बताइए फटाफट से, 12, 10, 3, 5, 6, 4, 9, देखो नंबर्स को देखो, दो नंबर मिसिंग, बनाइए 75, 15, 59, 13, हो गया भाई, चलो बताओ। जल्दी बता दो फटाफट से, लास्ट वाला फाइंड कर सकते हो ना, क्या बात है, आ गया 59, 13 आंसर भी, अब इसको देखो फाइंड कर सकते, ये देखिए क्योंकि तो सबसे बड़े नंबर वही थे, उसको टारगेट किया हम, 12 + 36 + 4 = 40, 10 × 5 = 50 + 9 = 59 आ गया, x × 6 + 7 = 85, 6x = 85 में से 7 गया 78, x की वैल्यू 13, 59 भी आ गया, 13 भी आ गया, ये आपका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट, ए बी से ज्यादा शक्तिशाली है, बी सी के जितना शक्तिशाली नहीं है, यानी कि बी जो है सी से कम शक्तिशाली है, लेकिन ए जितना शक्तिशाली नहीं है, सी जो है ए जितना शक्तिशाली नहीं है, यानी ए से कम शक्तिशाली, इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है, सी डी से अधिक शक्तिशाली है, सी डी से अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन हुआ फिर, ए हुआ,
डी ऑप्शन में आ रहा है, सही है। ए जो है सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया, क्योंकि डी और बी का तो पता नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर एक बार चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत हो गई क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या प्रॉब्लम हो गई क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बोला जा रहा है यहां पर। चेक करना बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स डी से किस प्रकार संबंधित है। ये रहा एक्स, एक्स का जेंडर पता ही नहीं है, डी के पापा, पापा के मम्मी पापा, तो हमें क्या पता पापा के मम्मी पापा कौन है, दादा है या दादी है, सही तो है, दादा है या दादी, सी एंड डी तो आएगा। ज्यादा समझदार हो गया भाई, ज्यादा ज्ञान आ गया आप में, ये बता दो, ढंग से चेक कर लो, और नहीं हो रहा तो आराम से दोबारा चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अपने जो व्यंग्य करते हो ना आप, ये जो ज्ञान देते हो आप भाई, ये ज्ञान आप अपने पास ही रखें, आपको ज्यादा जरूरी है इसकी, इसकी जरूरत आपको है क्योंकि आप सीख रहे हैं अभी, लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। आप यूं बोल सकते हैं कि सर इसको एक बार चेक कर लेते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं, फैसला सुना देते हैं कि ये ठीक है होती है, लेकिन हर बार भी नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना, और होती है तो वो पता चल जाती है, सही है बिल्कुल, सी एन डी ही आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर, क्योंकि दो ऑप्शन दे रखे हैं, आप खुद तो देखिए पहले एक बार, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर दोनों दिया हुआ है, अब आपको क्या पता कि आप क्या टिक करोगे, तभी तो उसने एक ऑप्शन दे रखा है। सी एन डी कब टिक करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम कम देते हैं। ब्लड रिलेशन इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा था, ठीक है, उसको आप अटेंड करो, उसकी क्लास हो चुकी है एक शानदार, शाम वाली जो अपना चल रहा है क्लासेस, उसके अंदर ब्लड रिलेशन बहुत ही शानदार टॉपिक, आप लोग उसको पढ़ सकते हो, 4 बजे वाली क्लास भी अटेंड किया करो थ्योरी के लिए। चलिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए पिंकी ने कहा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एक महिला की तरफ इशारा किया जा रहा है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए पिंकी ने कहा, क्या कहा, वह मेरे भाई की पत्नी है, वह मेरे भाई की पत्नी, वह मेरे भाई की पत्नी जिसका एकमात्र पुत्र रोहन है, जिसकी शादी अंकिता से हुई, अंकिता उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, अंकिता महिला की बेटी हो जाए कि पुत्री हो जाए, सॉरी सॉरी पुत्री नहीं बनेगा, ये बनेगा बहू, अंकिता तो उसकी भाई रोहन बेटा था, है ना, रोहन बेटा था इसका, और अंकिता रोहन की पत्नी है, तो वो बहू हो जाएगी, सिस कौन हो जाएगी, बहू, डॉटर इन, ए बी सी रॉन्ग, डी इज द करेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, बनाइए,
बयालीस प्लस अट्ठारह कितना हो रहा है, ऊपर वालों को जोड़े तो ये हो रहा है साठ, सही है, आप खुद देख लो, क्लियर है, साठ है और चार चार आठ नौ दस, ये लीजिए ऊपर वालों को तो जोड़ दो, और ये नीचे वाली जो संख्या है ना इनके अंकों को जोड़ दो, नहीं आएगा आपको, आप ध्यान से देख लें पहले इस प्रश्न, ये दस, अब आप साठ में दस का भाग लगा दो तब आ जाएगा छह, ऐसे ही उस वाले को भी देख लेना भाई, अड़तीस प्लस बावन ये हो गया दोस्तों टोटल नाइनटी, नीचे वाला देखें आप वन प्लस फाइव प्लस वन प्लस टू, छ और तीन नौ, नाइनटी डिवाइड बाय नाइन इक्वल टू टेन, सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, चलिएगा नेक्स्ट, अगला पॉसिबल पी ओ डब्ल एस आई बी एल ई पॉसिबल को लिखा हुआ है क्यू आर डब्ल्यू डी के जी एन, बनाइए इसको कैसे बनेगा, पॉसिबल का कोड अगर ये दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है, सिंपल सा पूछ रहा है कि फेयरवेल का कोड क्या होगा, ये देखिए इसने क्या किया हुआ, इसने बनाए हुए दो दो के जोड़े, प्लस एस का टी यू एस का टी, बी का सी डी आई के बाद जे के, ई का एफ जी एल के बाद एम एन, तो ए का बी एफ का ए का बी सी एफ का जी एच फिर जी टी सेम आ रहा है, ई के बाद एफ जी डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जी वाई, MN, MN. C option answer. बनाइए डायरेक्टली बिना पेन चलाए हुए ट्राई करिए, अब S के बाद TUV प्लस थ्री, H के बाद IJK प्लस थ्री, A के बाद BCD प्लस थ्री, सामने से कंपेरिजन करिए, N के बाद OPQ प्लस थ्री, तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि सब में प्लस थ्री वाला सीक्वेंस चल रहा है, तो W के बाद एक्स वाई जेड, यू के बाद बी डब्ल्यू एक्स, एच के बाद आई जे के, ए के बाद बी सी डी और एन के बाद ओ पी क्यू, बी ऑप्शन, बनाइए देखो टू इंटू थ्री, ऊपर के दो नंबर से देखो आप इसको बना सकते हो, और टू की पावर थ्री कर दो तो ये एट भी बना सकते हो, सेवन इंटू टू फोर्टीन, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, तो आंसर बनेगा आपका फोर्टी नाइन, सही है, अब लोगों का 28 आ रहा है यहाँ पे, देख नहीं रहे ढंग से, चार दुनी आठ चार का स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम ही बनेगा, चार दुनी आठ और चार का स्क्वायर सिक्स, भाई आराम से, चलिए इन प्रश्नों को आप लोग करिएगा, जो कुछ प्रश्न है इन प्रश्नों को आप लोग करिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आप लोगों के पास, ठीक है, और आज बिल्कुल तैयार है ना, ताबड़तोड़ तरीके के लिए
ताबड़तोड़ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये अपना होने वाला है आज जबरदस्त सेशन, क्लॉक कंप्लीट चैप्टर ए की वीडियो में शाम को 4 बजे और 2 PM पर दोस्तों हम लोग कंप्लीट रीजनिंग का एनालिसिस देखेंगे एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, रीजनिंग एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं 2 PM पर SSC CGL जो आज एग्जाम हो रहा है। ओके गाइस थैंक यू सो मच। देखिए क्या होता है ना हमारे जीवन में दोस्तों, एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, अगर सीखने की प्रवृत्ति रहेगी ना तो जिंदगी के हर मोड़ पर आप तरक्की ही करोगे, और कॉन्फिडेंस के साथ जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो वो बहुत चीज अच्छी होती है, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में जब इंसान आगे बढ़ता है ना और यूं समझ लो कि एक दूसरे की टांग खींचने में वो रहता है या किसी को सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वो जीवन में कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। मेरी एक बात आप जिंदगी में हमेशा याद रख लेना, अगर आप वास्तव में बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं हर तरीके से, दौलत शोहरत हर तरीके की चीज कमाना चाहते हैं, तो पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छा इंसान बन गए ना तो आपके आधे से ज्यादा काम तो वहीं हो गया, ठीक है। अगर आप एक अच्छे इंसान है तो आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है जिंदगी में। चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को, ठीक है। आपकी जो CGL के एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी वाईफाई स्टडी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, मस्त तरीके से फोड़ के आइएगा एकदम जबरदस्त, ठीक है। पेपर का लेवल इसी तरीके का आएगा, ऐसा ही आएगा, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए। क्लॉक चैप्टर अगर आपको पढ़ना है क्योंकि ग्रुप डी में क्लॉक के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसीलिए मैं पूरा चैप्टर एक साथ ही मैं कंप्लीट कराऊंगा इसको 4 बजे, तो बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है ना। और साथ ही साथ रात को 9 बजे आपको पता ही है कि धमाकेदार अपनी क्लास होती ही है, ठीक है। तो आप लोग 9 बजे भी बिल्कुल शानदार तरीके से मॉक टेस्ट लगाते ही हो। इस टेस्ट को तो छोड़ना ही नहीं है, इस टेस्ट को तो आपको जिंदगी भर कभी छोड़ना ही नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता ना तब तक आपको डेली मेरे साथ इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कवर करना है, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी साथ के साथ चलती रहे, स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ती रहे, ठीक है। ये बात जिंदगी में हमेशा याद रखिए, क्लियर है। PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी PDF, ठीक है। आप रिलैक्स रहिए मस्त तरीके से। कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नया बैच अपना चालू हो गया अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से बैच चालू हुआ है। आप सीधा गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल सेलेक्ट करिए, ठीक है। उसके अंदर वो कोड पूछेगा, Deepu10 कोड बनाइए, DEEPU10, Deepu10 कोड लगाने पर आपको 10% डिस्काउंट के साथ में ये बैच मिल जाएगा गाइस, ठीक है। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। PDF नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सोनू बोल रहे हैं कि सर लास्ट क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो जो है वो गलत था, लास्ट क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो गलत था, ठीक है भाई एक बार चेक कर लेते हैं। यानी लोग बहुत हैं भाई हमारे जीवन में, क्या गलत है इसमें। 2 × 3 = 6, 2 का क्यूब कर देंगे तो साफ साफ दिख रहा है 2 का क्यूब 8, 4 × 2 = 8, 4 का स्क्वायर 16, 7 × 2 = 14, 7 का स्क्वायर 14, पैटर्न गलत हो गया। अरे भाई पढ़ ले सुधर जाओ, है ना, वरना जीवन में सही बता रहा हूं मैं सिर्फ आर्ग्यू ही करते रह जाएंगे भाई, और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आर्ग्यू करते रह जाए, पैटर्न ही गलत हो गया। गजब के लोग हैं यार, ऑनलाइन जो है ना अपनी पढ़ाई जो है ना उसमें वास्तव में पता है पढ़ने वाले कम हैं और जो सिलेक्शन लेने वाले वो और भी कम हैं, आर्ग्यू करने वाले बहुत हैं भाई, है ना। अगर वास्तव में इतनी मेहनत रेगुलर आकर पढ़ लेते ना चैप्टर को तो आज पता लग जाता कि भाई सारे क्वेश्चंस के जो पैटर्न है इसी तरीके के आते हैं मिसिंग नंबर में, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न था। अभी अभी अगर आप NTPC CBT 1 का एग्जाम देकर आए हो तो वो बच्चा जानता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट पैटर्न था, है ना। तो इसीलिए तैयार हो, क्योंकि हम तैयारी रेलवे और SSC दोनों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्टेट लेवल के पुलिस के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना तो आपको रीजनिंग में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। बस जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाइए, आप खुद जिस दिन एग्जाम देकर आएंगे आकर यही बोलेंगे कि सर रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर है, ये मेरा विश्वास, ठीक है गाइस।
चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।